हाँ यहाँ पर देखो बेटा, जैसा तुम्हें पता है त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण प्रश्न हमने चल रहे हैं, ठीक है, उसका ही पार्ट टू है आज। अब देखो उसमें क्या, थोड़ा लेवल आपका बढ़ गया है कल के क्वेश्चन में और आज के क्वेश्चन में थोड़ा बहुत अंतर है, ठीक है। यहाँ पर देखो पहले क्वेश्चन अगर हम बात करें, इसमें हमें एक अमान निकालना है। किस अमान निकालना है हमको? एक अमान। भैया किस प्रकार से निकाल सकते हो बता सकता? एक अमान कैसे निकलेगा इसमें बताओ भाई। अच्छा देखो, जरूरी नहीं कि हमें इसे चेंज करना हो, ये भी चेंज हो सकता है, ठीक है ना। यानी अगर मैं टेन टू ए को लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? कोट 90 माइनस 2a, ठीक है। और इधर क्या लिख सकता हूँ मैं? कोट क्या लिख रहा है? ए माइनस 18, ठीक है ना। तो कोट से कोट आपका हट जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 90 माइनस 2a बराबर ए माइनस 18, ठीक है। ये आपका इधर बोल जाएगा और ये आपका इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस के 2a माइनस के ए बराबर माइनस के 18 और माइनस के ये हो जाएगा आपका 3a बराबर, और ये कितना हो जाएगा आपका? 108 माइनस के 108, तो ए बराबर, देखो माइनस माइनस आपका यहाँ पर हो जाता है, और 108/3, 3 * 9 और 3 * 6 = 18 है, यानी 36 * 108 एक अमान आपका आ जाएगा। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन देखो, दूसरे भैया कुछ इसी प्रकार से हैं। इसमें क्या है क्वेश्चन नंबर 2 की हम लोग बात करें तो, और फिर क्या है आपका? साइन ए प्लस बी बराबर कितना दे रखा है? अंडर 3/2। उसके बाद यहाँ पर दे रखा है कोस ए माइनस बी ये है आपका अंडर 3/3 ये भी सी, ठीक है। अब देखते क्या है भैया, इधर साइन है तो उधर भी साइन में देखो किसकी वैल्यू है, तो आप कहोगे साइन 60 की वैल्यू। मैंने आपको पहले बताई थी इन क्वेश्चन को करने के लिए त्रिकोणमिति सारणी जो है वो तुम्हें एकदम याद होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या लिख देंगे? साइन 60 डिग्री। तुलना करते हैं तो ए प्लस बी बराबर क्या रहता है आपका? 60। इक्वेशन नंबर मान लो फर्स्ट यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कोस ए माइनस बी बराबर, भैया अगर मैं कोस की बात करूँ तो कोस 30 की वैल्यू है, कभी यहाँ भी आप साइन 60 लिख दो, ठीक है ना। अगर जो यहाँ पर देख रहा है ना उसका वही लिखना होता है यहाँ पे, तो ए माइनस बी बराबर कितना आएगा आपका? 30। इक्वेशन नंबर सेकंड करेंगे क्या? ग्लोबल विधि आपसे भी जानते हैं, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे, और जब इन्हें जोड़ते हैं तो ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री है और ए माइनस बी बराबर 30। बी से बी आपका कट जाएगा तो 2a बराबर आ जाएगा आपका 90 है, तो a बराबर कितना जाएगा भैया? निकाल सकते हैं ना, 90 से 2 को भाग कर दो 45 आ गया आपका। और v का मान समीकरण नंबर नहीं, a का मान समीकरण नंबर 2 में रख दो, तो a एक जगह रखते हैं 45 माइनस बी बराबर 30, भाई ये प्लस इधर जाएगा हो जाएगा माइनस, तो माइनस के बी बराबर 30 माइनस के 45, अच्छा माइनस बी बराबर माइनस के 15, माइनस माइनस कर जाएगा तो बी बराबर क्या जाएगा आपका? जी आपका आ जाता है भैया, ये बात समझ में? नोट करते हैं जल्दी से। यहाँ पर देखो भैया, अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भैया? दो तो ये हैं, 10 45 की वैल्यू बता दो भैया आप, ठीक है भैया सबकी याद होनी चाहिए वैल्यू। अब पूछते हैं भैया आपसे, रिया कोस 30 की वैल्यू क्या? अंडर रूट 3/2, ठीक है। अब तुम बताओ भैया सालू इसकी वैल्यू, इन साइन साल की वैल्यू अंडर रूट 3/2। देखो
अगर सेम वैल्यू हो लेकिन चिन्ह अलग अलग हो तो उसको इस प्रकार से काट देते हैं। तो बचे क्या आपका दो, एक कबर तो एक होता ही है, दो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अच्छा क्वेश्चन नंबर चार देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर चार। अच्छा देखो दो, कोस स्क्वायर 67° माइनस शाइन स्क्वायर 23, कैसे करना था कोई बताएगा, कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन को? अरे ऐसा क्वेश्चन आप तो जरूर है, तो किसी एक को चेंज कर दो, चाहे इसको चेंज कर लो या फिर इसको चेंज कर लो। जैसे मैं बार बार अगर मैं चेंज करूं तो क्या लिखूंगा बता सकते हो? मैं इसे लिख सकता शाइन स्क्वायर 90 माइनस, ठीक है, और यहाँ पर लिखूंगा साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा कोस, सेम सेम हो गए, जीरो आंसर आ गया भैया। अच्छा उसके बाद क्वेश्चन क्या है आपका, ये है ठीक है। अच्छा देखते थे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पाँच क्या है आपका, टेन ए प्लस बी बराबर एक और टेन ए माइनस बी बराबर एक बटन। जो यहाँ पर टेन है तो उधर भी टेन की वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, टेन ए प्लस बी। अब मुझे ये बता दो टेन में किसका मान नहीं होता, किस वैल्यू का मान होता है? तो हम कहोगे टेन पैंतालीस का मान होता है। और याद रखो ये क्वेश्चन वही कर सकता है जिसकी त्रिकोणमिति में सब मान याद होंगे, ठीक है। टेन ए माइनस बी टेन तीस का मान होता है। यहाँ से अगर हम तुलना करें तो a प्लस बी बराबर क्या आ रहा होगा, 45। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर समीकरण नंबर एक मान लेते हैं और a माइनस बी बराबर टेन, टेन तो हो जाएगा तो 30 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर बस करना क्या है, विलोपन विधि लगा दो, जोड़ दो समीकरण को, a प्लस बी बराबर 45 और a माइनस बी बराबर दिख रहा है, दो ए बराबर कितना आ गया है 75, सही तो है ना। अच्छा एक मान निकाल लोगे ना, एक मान आ गया आपका 75/2, ठीक है ना। इसी प्रकार आप बी का मान भी निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं ना। नो अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ का ए बराबर 30° दे रखा है, ठीक है। तो हमें 1 + 10² a / 1 + 4² a का मान निकालना है, ठीक है। आइए फिर देखते हैं 1 + tan 30 का वर्ग, उसके बाद 1 + cot 30 वर्ग, ठीक है। अच्छा 1 + tan 30 की वैल्यू क्या बताई थी, 1/√3 की वैल्यू क्या हो गया, √3 गोलू 10 की वैल्यू क्या, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटे, कभी याद नहीं होने का अगर तुम मेरे साथ साथ देखने में रहोगे तो। पहले देख लगा इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला 10 की वैल्यू इनके साथ बोल लो, याद नहीं है तो फिर याद हो जाता है ऐसे, और तुम उस टाइम पर नोट करें जिस टाइम बोल ले। अब तुम बताए 2 × 10√3, चलो अब पहले समझ लगा लो बेटे, नोट करने का टाइम दूंगा, जिसके नीचे कोई नहीं उसके नीचे, ठीक है। बस इसलिए यहाँ पर जरूरत है भी नहीं, इसलिए बस तो एक प्लस उसके बाद एक का वर्ग 1 और √3 का वर्ग, और ये आप हो गया 1 + 3, ठीक है। अब इसके गुणा इधर कर दो क्या होगा, 3 + 3 + 1/3, और ये क्या हो गया आपका 4, बात करें तो 4/3/4, और जिसके नीचे कोई नहीं उसको देखिए, ठीक है। अब करते क्या है इसको उल्टा कर दो, क्या 4/3 × 1/4, 1 से कट गया 1/3 आपका आंसर, ठीक है। नोट कर दो,
अब यहाँ पर देख लो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इसमें तुम्हें एंगल ए का मान निकालना है, ए का मान क्या होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर देख लो, अच्छा इसे तोड़ लो, क्या लिख सकते हैं, एक बटे साइन, और इसे क्या लिख सकते हैं, एक बटे कोस, ये कोस ले जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोस ए बटे साइन बराबर क्या है, कोस बटे साइन क्या हो जाएगा आपका, कोट। अच्छा कोट, कोट में किसका मान नहीं होता, कोट 45 का मान नहीं होता, हाँ इसे देख सकते हो, कोट 45, कोट से कोट आपका जा सकता, तो ए का मान क्या हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता, नो यहाँ देखो भैया कुछ ये क्वेश्चन भी है जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। अब ये कैसे होंगे, यहाँ पर देखो पहले क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे यहाँ पर देखो क्वेश्चन को पहला करते हैं, क्या है आपका, देखो तो ऐसा करने की दो ट्रिक हमारे पास है, पहला है लॉन्ग मेथड, नहीं लंबी में जिसका गलती करने जाते हैं, मतलब ये सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है, तुम्हें इधर से ये लाना है बस, ठीक है ना। पहला ऑप्शन हमारे पास ये है, लॉन्ग मेथड क्या है, इन सबका मान रख दो बस, जैसे साइन 60 का मान, कोस 30 का मान, माइनस साइन 30 का मान, आप कहोगे देखो आधे दिन आधे दिन जब गुणा करते हैं तो क्या रहता है, दो दुनी चार माइनस दो दुनी, दोनों के भैया हर सेम है, हाँ तो क्या कर लेंगे, 3 - 1/4। उसके बाद देखते क्या है, हम कितना बजे आपका 2/4, 2 × 2 = 2, 2 × 2 = 4, तो 1/2 आपका या ये यहाँ पर लिख दो आर एच, ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हो एन, ऐसे भी आपका आंसर 1 मिनट में। दूसरा मेथड क्या है, गोल विनिमान ने गोल तुरंत लिख, ठीक है ना, यहाँ पर देख लो। अगर मैं बात करूँ सेकंड मेथड, भैया पहले समझ लो, मैंने एक चीज बताई थी तुम्हें, साइन ए इंटू कोस बी माइनस साइन, या कोस दे रखा पहले, देखो साइन दे रखा साइन लिख लो, कोस दे रखा तो कोस, वह तो फॉर्मूला तो यह है, साइन ए कोस बी, कोस ए इंटू साइन बी, ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है आपका साइन ए माइनस बी, अगर माइनस है तो माइनस, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर है आपका साइन 30 है, साइन 60 है, कोस 30, अब जो कोस के साथ यहाँ पर 30 है तो यहाँ पर 60 ले लो, यहाँ पर साइन के साथ क्या लेना आपको 30, तो क्या फॉर्मूला बना, साइन 60 माइनस 30, तो कितना कितना बचा आपका 30, और साइन 30 की वैल्यू बढ़ेगा, इस प्रकार से आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना अनिवार्य है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर दूसरे बार, अच्छा दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं भैया, यहाँ पर देखो क्या करेंगे हम, इसको यहाँ पर लिख दें, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, टेन 35 डिग्री इंटू 10 60 है, नहीं 52 है ना, 10 52 है और 10 60, 10 38 और 10 30, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यह देख लो हमारे पास दो मान हमारी याद हैं, ये तो पहली बात तो 10 60 का, 10 30 का, तो किसी एक को इन दोनों में चेंज कर लो, मात्र एक, जैसे आप चेंज करते हैं ना तो आपका आंसर भी सही है। अच्छा 52 को चेंज करना चाहते हो तो आपको लिखना होगा 10 90 माइनस क्या, भाई 90 में 38 जाएंगे तो 1 बचेगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट क्या होंगे इसे इस प्रकार से लिखें, भैया गलत हो जाएगा, ये नहीं लिखना,
ठीक है, ये तो घटा गया आया है, तो 90 में से क्या घटाएंगे कि बावन आए 38, और टेन 60 इसी प्रकार से टेन 38 भी लेने दो और टेन 30 भी ले। अब ये क्या आ गया आपका कोट 38, ठीक है, कोट 38 इंटू टेन 60 की वैल्यू 1/3, और ये आपका टेन 38 इंटू 30 की वैल्यू 1/3, इससे ये कट जाए, गुणा तो कर सकता है ना। अच्छा कोट क्या लिख सकते हैं, 1/10 38 गुणा ऊपर बच गया आपका 1, लिखो या मत लिखो उसको। अच्छा ये है, इससे ये कट जाएगा, वही ऊपर नीचे है तो आप आ गया आंसर 1, देखो ये लाना है। अच्छा सेम क्वेश्चन ये है, इसको लिख देता हूँ, कर सकते हैं। अच्छा तो अब देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार ये देख कर बता दो, यहाँ पर दिख रहा है नहीं, यहाँ पर दिख रहा है ना, तो आओ तो फिर क्वेश्चन देखते हैं आपका फोर्थ क्या है। कोट स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा सिद्ध करना है माइनस के 1, ठीक है ना, मैंने फिर कहा इसीलिए फॉर्मूला याद होना अनिवार्य है। क्या होगा भैया, कोट स्क्वायर थीटा माइनस 1/ साइन स्क्वायर थीटा, क्या बोलेंगे इसको, कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अच्छा या फिर इसको हटा दो, यहाँ पर लिख दो एल एच एस, ठीक है। अब बता दो कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर किस चीज का फॉर्मूला होता है, ये नहीं होता, लेकिन भैया हमें एक चीज पता है कि भैया कोसेक स्क्वायर ए या फिर थीटा बोल दो चलो माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हमारा होता है, इसका मतलब ये तो इसको उल्टा है, उल्टे तो है ना, तो माइनस कॉमन ले लो, ये उल्टे ही जाएगा, ये प्लस ये बन जाएगा माइनस, और ये माइनस से क्या बन जाएगा प्लस, जैसे हमने माइनस कॉमन लिया था माइनस वाला तो आपका क्या बन गया प्लस में, और ये प्लस है तो ये क्या बन गया आपका माइनस माइनस, और इसकी वैल्यू क्या होता है, ये भी एक, देखो आ गया सेम, ठीक है ना। तो भैया ऐसे में फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ, मतलब फॉर्मूले याद कर लेना आप, तीन ही फॉर्मूले हैं ऐसे, पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक, यहाँ से हम किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा निकाल लो तो 1 माइनस कोस स्क्वायर हो जाएगा, उस पर कोस की निकालते हो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, पहला फॉर्मूला तो ये, दूसरा क्या हो गया आपका भैया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये क्या हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये तीन फॉर्मूले हो गए, इन फॉर्मूले से इन क्वेश्चनों को किया जा सकता है, ठीक है ना, नोट करोगे। अब यहाँ पर देख लो क्वेश्चन नंबर में 5 की बात करूँ तो ये है, और इस फिगर का आपको 1 लाना है, ठीक है ना। तो कैसा करेंगे भैया, अब देखो अब यहाँ पर आपको फॉर्मूला यूज करना होगा, तीन फॉर्मूले लिखवाए थे, पहले जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, पहली बात तो ये देखो यहाँ पर देख लो, पहले एक बार ये देख लो, एक फॉर्मूला में इधर में ये लिखवाया होगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर sec की तो sec स्क्वायर थीटा ये माइनस का आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, और भैया आपका बन जाता है sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी कहने का मतलब ये है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जहाँ पर होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जहाँ पर होगा वहाँ पर हम सिंगल sec भी लिख सकते हैं, वहाँ पर हम sec थीटा भी लिख सकते हैं, इतनी बात आई समझ भैया। तो कहने का मतलब ये है इधर हम इसको आसानी से लिख सकते हैं भैया, a प्लस बी a माइनस बी, ये क्या है भैया, वहां पे स्क्वायर नहीं है, कहां
कहाँ? अच्छा यहाँ पे, अच्छा ठीक है ये। अब यहाँ पर देखते हैं, अब मैं यदि यहाँ पर बात करूँ तो ये आ रहा है आपका a प्लस बी ए माइनस बी, क्या होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ठीक है, जो कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको a मानता हूँ तो ये आपका b a प्लस बी ए माइनस बी आपका बन जाएगा ठीक है। तो ये क्या करते हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो फिर एक फॉर्मूला हमने पढ़ा, क्या पढ़ा भैया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। अगर मैं यहां से लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर थीटा का मान, तो एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कहने का मतलब क्या होगा, जहां वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा वहां हम किसका यूज कर सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर भैया आसानी से हम इसको यूज कर सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा। अच्छा भैया एक चीज और पता हमें कि सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, स्क्वायर थीटा गुणा में क्या है कोस स्क्वायर थीटा। तो कौन सी भारी बात थी भैया, एक आम का आर एच एस आ गया, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, इसमें केवल आपको फॉर्मूले याद होंगे तभी हो सकता है। अच्छा भैया यहाँ पर आ जाओ, इस क्वेश्चन नंबर छः में क्या है, ये है कोस जीरो डिग्री प्लस साइन तीस प्लस साइन पैंतालीस, ठीक है, इंटू साइन नब्बे प्लस कोस साठ माइनस कोस पैंतालीस, सात बटे चार आपको सिद्ध करके लाना, पहले देख लो ये क्या, ठीक है। अच्छा कोस जीरो की वैल्यू बताओ क्या है, एक है भैया एक, प्लस साइन तीस की वैल्यू एक बटे दो और साइन पैंतालीस की एक बटे रूट दो, ठीक है, इंटू साइन नब्बे की एक प्लस, फिर से क्या हो जाएगा आपका कोस साठ की पूछी है, कोस साठ की वैल्यू क्या होगी जो साइन तीस की होगी, साइन तीस की वैल्यू क्या है एक बटे दो माइनस ये होगी, ठीक है। अच्छा जिसके नीचे बिंदु उसके नीचे एक, जिसके नीचे बिंदु उसके नीचे, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं दो ही का ना दो, दो में वो एक जोड़ना तीन बटे दो प्लस, इस प्रकार से आई बात समझ, देखो फिर से समझ लो, दो ही का ना दो रे तीन, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो सेम प्रोसेस यही वाला होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होगा पहले वाले का वर्ग और भैया दूसरे वाले का वर्ग, आई बात समझ में, पहले वाले का वर्ग क्या तीन का वर्ग नौ, दो का वर्ग चार, एक का वर्ग एक अंडर दो का वर्ग दो, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, यानी नौ बटे चार है आपका, इसकी गुणा यहाँ पर करो अठारह चार के वहाँ चार और चार दुनी आठ, कितना बच गया आपका, देखो दो सत्ते दो चौक, देखो ये सिर्फ करना दे दिया सेम यही आंसर आया होगा, इस प्रकार से इसको आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सात, इसे नोट करो, चलो कोई ना ध्यान ना दो उन पे, और यहाँ पर देखो हाँ साइन स्क्वायर पैंतालीस डिग्री माइनस साइन स्क्वायर तीस डिग्री बराबर एक बटे चार, आपको सिद्ध करके लाना है भैया, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो साइन पैंतालीस का मान ठीक है, इसका वर्ग माइनस साइन तीस की वैल्यू इसका वर्ग, क्या भैया ऐसा कर सकता, ठीक है, एक अंडर दो का वर्ग दो इसका वर्ग एक बटे चार, अब इसकी गुणा इधर कर दो चार, इसकी गुणा इधर दो चार दुनी आठ, कितना बच गया आपका दो बटे आठ, चार दो ही करना दो दो चौक आठ, एक बटे चार बनना था क्या, बहुत सुंदर, नोट कर दो। यहाँ पर देख लो भैया ये कुछ क्वेश्चन तुम्हारे हैं, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन तो कर सकते हैं ना, ये सभी आपके क्वेश्चन सिद्ध करने वाले हैं जो कि आपके लिए होमवर्क है, सभी को इन क्वेश्चनों का कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक है ना। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिन्हें हम कल करेंगे,
ये तो कैसे लगी आज की क्लास, समझ में आ रहा सब? ठीक है भैया, अगर क्लास में कुछ लगे वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।